अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय प्लेस थी ये। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे एक और जहाँ पर सुल्तान बलोदी में जो जगह है, जो है गुरु नानक साहब जी की जो बहन थी, सिस्टर सी बीबी नान की, उनका जो घर था उसको हम आपको दिखाएंगे। और एक और गुरुद्वारा है उसके बारे में वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा हट साहब में, जहाँ पर उनकी गुरु नानक साहब जी की हट आप कह लीजिए वो थी, तो उसी के आधार से इसकी गुरुद्वारा साहब का जो नाम पड़ा। अभी उसी गुरुद्वारे से, गुरुद्वारा हट साहब से हम बाहर आ चुके हैं, और इस गुरुद्वारे से थोड़ी दूर पर जो बीबी नानकी जी है उनका जो पुराना घर था वो है, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक लोकल से सुना था कि इस जगह पर ऑलमोस्ट 9 ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, गुरुद्वारा हैं सुल्तानपुर लोधी में जो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी भी चल ही रहे हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से, पर रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, उसके आस हारे से आप उसे फॉलो करते हुए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँच गए हम यहाँ पर, यहाँ पर तो आप सुन रहे होंगे कीर्तन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। दिखाता हूँ मैं आपको आगे, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बोर्ड, बताया जा रहा है कि ये जो दरख्त है बोर्ड का, ये बीबी नानकी जी के समय का ही यहाँ पर है, तब से यहाँ पर इतना बोर्ड ये
अच्छा हरा भरा खड़ा है। मिठा के नाना भर लो
हम अभी अभी उस स्थान से वापस आए हैं जो आपने पहले फुटेज देखी होगी। बहुत ही अच्छी जगह थी ये भी। और एक बात जो स्पेशल मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, हम जितने भी आज तक गुरुद्वारा साहब में जा और सिखों के और स्थानों में गए हैं, सिर्फ वहाँ पर जो गुरबानी का पाठ जो चल रहा होता है उनको सिर्फ मेल के द्वारा ही पढ़ा जाता है। पर ये पहला गुरुद्वारा है यहाँ पर जहाँ पर फीमेल भी गुरबानी का जो पाठ था, जो कीर्तन था, वो कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगा देखकर मुझे। ये ऐसा हर जगह होना चाहिए, हमारे हर एक गुरुद्वारे में ये चीज़ होनी चाहिए कि फीमेल जो हैं वो आगे आएँ और कीर्तन और पाठ वगैरह वो खुद करें गुरुद्वारों में और ऐसे धार्मिक स्थानों में। बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया था। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हमको वापस घर जाना है। तो हम जा रहे हैं वापस हमारी गाड़ी के पास, यहाँ पर वो हमने पार्क की हुई थी। तो इस ट्रिप को हम यहीं एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन था कल, बहुत ही मज़ा आया। आज फिर से बहुत ही अच्छा रहा। ये सुल्तानपुर लोधी का जो एक दो जगह हमने देखी, और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर देखने के लिए, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से शायद वो सब नहीं देख पाएंगे। तो उन्हें देखने के लिए कभी फिर हम समय से समय निकाल कर आएँगे ज़रूर, और डेफिनेटली आपको वो चीज़ें दिखाएँगे हम। तो तब तक ऐसे ही ज़िंदगी को जीते रहें खुशी के साथ, और हम आपको मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।